हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे लिए इतने बेस्ट विशेस किए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के मुझे फिर से हिम्मत आई कि दोबारा पिच में वापसी किया जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि थोड़ी सी तबीयत मेरी बिगड़ गई थी, कोविड पॉजिटिव आया था, तो अभी ठीक हूँ मैं, रिकवर हो रहा है और थोड़े दिन लगेंगे अच्छे से रिकवर होने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मैं आज हूँ और हिस्ट्री की क्लास ले रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के इतने अच्छा आपने बेस्ट विशेस दिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास फाइव। तो ये आज हमारी क्लास फाइव है हिस्ट्री की, पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो आप और जितने भी क्लासेस हैं हमारी हिस्ट्री की, जनरल साइंस की, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो अच्छे से करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम चाहे डिले हो और चाहे ना हो, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन अप टू द लेवल होनी चाहिए, बेस्ट आपको अपना देना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास फाइव। तो देखिए, अभी तबीयत उतनी अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुई है तो हो सकता है वॉइस में थोड़ा चेंजेस आएंगे, तो प्लीज़ आप देखते रहिएगा। और देखिए, ये क्लास हमारी फिफ्थ है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट ट्रेन का डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ और डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हालांकि ये इतना क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन 1% भी अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेटली आप लोगों से ये आंसर इसका बनना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बॉम्बे बोरीबंदर टू ठाणे चली थी और 34 किलोमीटर का, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ऑलरेडी मैंने नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम में, वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो। अदरवाइज़ देखिए, उसी का थोड़ा सा कंटिन्यू था, मुझे लगा कि अगर और डिटेल्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों से बनना चाहिए। तो ये फर्स्ट ट्रेन जो चली थी उसमें 400 पैसेंजर थे, ट्रेवल किया था उन्होंने, और 14 कोच की ये ट्रेन थी, यानी कि 14 कोचेस उसमें थे और 400 पैसेंजर थे। तो कभी कभी क्या होता है, आप लोगों से स्पेसिफिक डेटा पूछता है कि कितने कोचेस थे या कितने पैसेंजर थे, तो इसलिए मैं ये डेटा लेकर के आई हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना हो। और जैसा कि डेट था 16 अप्रैल 1853, इस टाइम पर ये पहली ट्रेन हमारी चली थी इंडियन रेलवे की, और सैटरडे का दिन था 16 अप्रैल, चाहे तो आप कैलेंडर में जा करके देख सकते हैं, शनिवार का दिन था। और वो लेफ्ट बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे से चली थी बोरीबंदर से, ये सब आप लोगों को मालूम है। और ये चली थी 3:35 PM, यानी दोपहर को 3:35 में चली थी ये ट्रेन। तो मैंने जब क्वेश्चन देखा था एक आध जगह पर, तो स्पेसिफिक टाइम पूछा था कि कितने बजे और कौन से दिन में चली थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि स्पेसिफिक थोड़ा सा डेटा आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। और ये ठाणे रीच किया था 57 मिनट में, यानी कि 57 मिनट लगे थे बॉम्बे से लेकर के ठाणे में। तो देखिए, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये पहली बार चली थी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ऑपरेटेड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। तो जब मैंने MCQs क्वेश्चन देखा तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऑपरेट किया था पहली पैसेंजर ट्रेन, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो ये आप लोगों को याद रखना है और ये डेटा है जो आप और ऐड कर सकते हैं आपके पहले वाले नोट्स में। अब देखिए, एक्सट्रीम स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवे, तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सट्रीम जब आप नॉर्थ में जाएंगे तो एक्सट्रीम नॉर्थ में कौन सा स्टेशन, एक्सट्रीम जब आप साउथ में जाएंगे यानी कि सबसे नीचे वाले पॉइंट में साउथ में तो कौन सा स्टेशन है, अगर आप ईस्ट और वेस्ट जाएंगे तो कौन सा एक्सट्रीम में पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। और देखिए, आपको क्या तैयारी करनी है, इस तरीके से चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली आप लोगों से बनना चाहिए। और अगर कोई मेरा लेक्चर देख रहा है तो डेफिनेटली आप लोग से तो बनना ही चाहिए, क्योंकि इतना सारा सर्च करके बनाती हूँ ताकि कहीं से भी इधर उधर से क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली वो चीज़ आपसे बनेगा। अब देख लीजिए, ये मैंने जैसे डायरेक्शन हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, उस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है।
क्योंकि अगर डायरेक्ट लिख दूंगी तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कई बार आप लोगों को याद रखने में, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये एक बेस्ट तरीका होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके अगर आप याद रखेंगे तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता भी है तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि यस मैम ने ऐसा पढ़ाया था, और आप लोगों को फिर याद आएगा। देखिए एक्सट्रीम नॉर्थ में देखिए क्या है, एक्सट्रीम नॉर्थ अब जब जाएंगे तो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में बारामूला जगह स्टेशन है, इस नाम का स्टेशन है बारामूला, ये एक्सट्रीम नॉर्थ में है, सबसे ऊपर है चोटी पे है नॉर्थ में ये स्टेशन है, तो ये आपका एक्सट्रीम नॉर्थ वाला स्टेशन हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में है। और जब आप वेस्ट जाएंगे तो देखिए वेस्ट में एक्सट्रीम हमारा गुजरात आता है, तो वहाँ पर एक नालिया नियर भुज स्टेशन है, जब आप नेट में सर्च करेंगे भुज स्टेशन तो वहाँ पर आप लोगों को येलो बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई देगा भुज स्टेशन, ये एक्सट्रीम वेस्ट में आप लोगों का, ठीक है। फिर जब आप एक्सट्रीम ईस्ट में जाएंगे तो देखिए लीडो इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन आसाम, तो तिनसुकिया भी कई बार ऑप्शन में आता है, और ये हम लोगों का ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन भी है, तो ये आप लोगों को याद रखना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क कर लीजिए कि अगर आपसे पूछता है कि ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा है तो तिनसुकिया असम में आप है नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो ये स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, लीडो स्टेशन है और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब देखिए एक्सट्रीम साउथ में तो सब लोगों को मालूम है तो इतना इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमें मालूम है कि एक्सट्रीम नॉर्थ जब आप तमिलनाडु में जाएंगे तो कन्याकुमारी जगह स्टेशन आएगा, वो आपका एक्सट्रीम स्टेशन है साउथ का, तो देख लीजिए ये पूरा मैंने चारों है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन भी आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए ये कोविड की सिचुएशन में काफ़ी डिफ़िकल्टी मैंने फेस किया है, और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगता था, अगर आपको एक रूम से दूसरे रूम जाना है तो भी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता था मुझे, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, इधर उधर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन करके रखिए, किसी बोलने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए मैं भी ऑलमोस्ट घर पे ही रहती थी लेकिन पता नहीं कैसे ये सिचुएशन हो गया, और मैं तो एज अ हम टीचर हैं या फिर पढ़ाते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बच के रहना है, क्योंकि 14 से 15 दिन तो वेस्ट हो जाते हैं, सिर्फ आराम ही करना होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, फीवर आता है, तो ये सब सिचुएशन बहुत कॉमन है सब लोगों में, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, और सब जितने भी प्रिकॉशंस है वो लेते रहिए ताकि आप अच्छे से अपना तैयारी कर सके और अपने ड्रीम को अचीव करके ज्वाइन कर सके, DFCCIL चाहे कोई भी अगर एग्ज़ाम है उसको आप ज्वाइन कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, अच्छे से आप तैयारी करिए। अब आइए देखिए कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट, तो देखिए कुछ थोड़ा सा मुझे लगा कि कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में भी बताना चाहिए, जनरली इसका हेडक्वार्टर पूछता है तो नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, देख लीजिए कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट, और ये फर्स्ट अगर आपको पैसेंजर ट्रेन पूछती है दोस्तों कोंकण रेलवे ट्रैक में, ये डिफरेंट है फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में, वो हमारा डिफरेंट था 16 अप्रैल वाला, ये हमारा कोंकण रेलवे ट्रैक में पहली पैसेंजर कौन सी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चली है इसके बारे में पूछ रहा है, तो देख लीजिए आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं 20 मार्च 1993 बिटवीन उडुपी एंड मैंगलोर, तो ये दोनों स्टेशन के बीच में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी कोंकण रेलवे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेट, आपको डेट याद रखना है और किसके किसके बीच में चली थी वो पूछता है, तो कोंकण रेलवे के बारे में है, हेडक्वार्टर क्या है नवी मुंबई में है, और कहाँ से कहाँ तक चली थी उडुपी और मैंगलोर के बीच में, 20 मार्च 1993 में चली थी ये पहली बार, और ये देखिए ये चार स्टेट को कवर करता है, अगर देखेंगे आप तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो 3 स्टेट दे देगा और आपको फोर्थ स्टेट पूछेगा कि फोर्थ स्टेट कौन सा है कोंकण रेलवे का, तो जो ये प्रोजेक्ट है वो 4 स्टेट को कवर करता है, जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र को, पूरा महाराष्ट्र वैसे भी बहुत बड़ा है, गोवा गोवा छोटा है, कर्नाटक एंड केरल, तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, 2 K है और 1 MG है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कोंकण, K से स्टार्ट हो रहा है तो याद कर सकते हैं कर्नाटक और केरल है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, और ये 740 किलोमीटर का है पूरा इसका प्रोजेक्ट लंबाई, तो इतना आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर तो आपको मालूम होना ही चाहिए और कौन कौन सा स्टेट कवर करता है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट द कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट,
अब देखिए यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा है सिलीगुड़ी स्टेशन। तो जब मैंने सर्च किया, क्योंकि कुछ कुछ खास बात है इंडियन रेलवे की जो आप लोगों को याद रखना है, तो जब आप सिलीगुड़ी जंक्शन देखेंगे, वेस्ट बंगाल में है ये। कई लोगों को लगता है असम में है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में है। सिलीगुड़ी जंक्शन, दार्जिलिंग, ये सब वेस्ट बंगाल का पोर्शन है। तो इसमें क्या खास बात है इस स्टेशन की, कि ये ओनली स्टेशन है इंडिया का जहाँ जो ऑल थ्री ट्रैक गेजेस हैं, यानी कि तीनों ही गेजेस यहाँ पर मौजूद हैं और इस पर ट्रेनें चलती है। तो जैसे कि ब्रॉड गेज है जो जनरली हमारे इंडियन रेलवे में होता है, और DFC में भी जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो ब्रॉड गेज में ही चलते हैं। और आप लोगों को मैं लंबाई सब कुछ बता चुकी हूँ, लेंथ कितना है ब्रॉड गेज की, फिट, और आप लोगों को मीटर दोनों में याद रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप मीटर में याद रख के गए हैं, फिट इंच में भूल गए हैं। तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज तीनों में ही ये होता है। सिलीगुड़ी जंक्शन ऐसा सिर्फ एकमात्र जंक्शन है, सॉरी स्टेशन है, जहाँ पर ऑल थ्री ट्रैक गेजेस हैं। नैरो गेज जैसे आप लोगों को पता हुआ है कि जहाँ पर भी पतली पतली पहाड़ी एरिया हैं, पतले पतले ट्रैक लगाए जाते हैं वहाँ पर। जैसे कि आप लोग गए होंगे कई बार शिमला, तो वहाँ पर कालका शिमला एक्सप्रेस है जो कि नैरो गेज में है, धीरे धीरे चलती है, चुक 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 करके, और बहुत टाइम लगाती है, लेकिन मज़ा आता है। तो जब कभी भी आप ट्रैवल करेंगे या फिर जब आपकी जॉब लग जाएगी और आप लोगों की शादी वादी होगी, तो उसके बाद जब आप जाएंगे तो फिर वहाँ पर इंजॉय करिएगा। नैरो गेज में धीरे धीरे जाएंगे तो मज़ा आएगा। तो ये सिलीगुड़ी जंक्शन है ऐसा कि जहाँ पर तीनों ही गेजेस मौजूद हैं। तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप, तो जमालपुर के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, क्या याद करिए और कमेंट करिए कि जमालपुर के बारे में मैंने क्या बताया था, फटाफट कमेंट करिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं अनाउंस करूँगी, जितने भी स्टूडेंट हैं अगर पहले जवाब देते हैं तो डेफिनेटली मैं उनका नाम अनाउंस करूँगी। आज के क्लास में मैंने नाम अनाउंस नहीं किया क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है कि किन्होंने आंसर दिया था। तो अब फिर से हम फ्रेश क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर से नेक्स्ट क्लास में मैं नाम अनाउंस करूंगी। जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि जमालपुर क्यों फेमस था और क्या चीज़ मैंने ऐसा बताया था जो वहाँ मौजूद था। अभी फ़िलहाल के लिए देखिए, रेलवे पहला वर्कशॉप जमालपुर नियर मुंगेर बिहार में है ये, और ये एस्टैब्लिश किया गया था 1862 में इसका एस्टैब्लिशमेंट था। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, सबसे पहले तो फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है ये पूछेगा, सेकंड ये एस्टैब्लिश कब हुआ था ये डेटा पूछ सकता है। तो ये 1862 में एस्टैब्लिश हुआ था और इट एस्टैब्लिश इट्स ओन आयरन एंड स्टील फाउंड्री। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी, अपना खुद का ये इन्होंने आयरन और स्टील फाउंड्री डेवलप किया था। और जमालपुर वर्कशॉप इज़ ऑल्सो सेड टू हैव कमीशन द फर्स्ट रोलिंग मिल इन एशिया, यानी कि एशिया का पहला रोलिंग मिल किन्होंने तैयार किया था, ये जमाल वर्कशॉप तैयार किया गया था। और ये पहली बार एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1862 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है आप लोगों को। अब आता है देखिए, कुछ कुछ एक्सप्रेस मुझे और ध्यान आया तो मैंने इंक्लूड कर लिया है, जैसे कि गतिमान एक्सप्रेस है। तो अगर आपसे पूछता है कि इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा इंडियन रेलवे का, तो गतिमान एक्सप्रेस है, और इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है, इस स्पीड से चलता है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को डाउट होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस भी तो फास्टेस्ट है मैम, लेकिन उसकी ऑपरेशनल स्पीड देखिए कम है इससे, अगर मैक्सिमम 180 दिखाएगा जब आप इंटरनेट में सर्च करेंगे, लेकिन जितना मैंने देखा वो गतिमान एक्सप्रेस आपकी फास्टेस्ट ट्रेन है। और ये कहाँ से कहाँ तक पहली बार चली थी, दिल्ली से झांसी के बीच में ये गतिमान एक्सप्रेस चली थी। तो इतना तो नहीं डेटा पूछेगा, लेकिन फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है ये ज़रूर आप लोगों से पूछ सकता है। अब जैसा कि आया तेजस एक्सप्रेस, तो आई थिंक मैंने ये डिस्कशन किया था, लेकिन उसके बाद एक और फैक्ट है तेजस एक्सप्रेस के बारे में, कि पहली ऐसी ट्रेन बताइए जो ऑपरेट हुआ था प्राइवेट एंटिटी के द्वारा, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये रन कराया गया था। तो ये इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया था 2017 में। जब करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे आप तो ये ज़रूर आप पढ़े होंगे कि 24 मई को इन्होंने फर्स्ट सर्विस दिया था तेजस एक्सप्रेस ने, और फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, प्राइवेट ट्रेन थी ये तेजस एक्सप्रेस। तो बस आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछेगा कि पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तो देन यू हैव टू रिमेंबर तेजस एक्सप्रेस। इतना डेट तो नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारे डेट है और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है।
अब आती है देखिए इंडियाज़ फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन। तो बहुत मज़ा आता है जब देखेंगे आप डबल डेकर ट्रेन, खास करके जब बच्चे देखते हैं नॉर्मल ट्रेन को तो खुश होते ही हैं, लेकिन जब डबल डेकर ट्रेन देखते हैं तो उन्हें अलग से मज़ा आता है देखने में डबल डेकर ट्रेन ने। तो अभी तक मैं ट्रैवल तो नहीं की हूँ, लेकिन ज़रूर करना चाहूँगी जब सब कुछ सही हो जाएगा, COVID-19 की सिचुएशन और लॉकडाउन कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ट्रैवल करना चाहूँगी। आप लोग भी करिएगा, मज़ा आएगा। और ये पहली जो ट्रेन चली थी डबल डेकर, वो हावड़ा धनबाद डबल डेकर एक्सप्रेस थी। ये नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और देखिए हावड़ा आप लोगों को पता है कोलकाता के पास है, वेस्ट बंगाल में है। धनबाद अपना झारखंड में है, जहाँ पर ISM भी धनबाद है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद है, और ये पूरा यहाँ पर कोल एरिया है। तो ये हमारी पहली डबल डेकर ट्रेन एक्सप्रेस थी जो चली हुई थी, और ये मैन्युफैक्चर्ड कहाँ पर हुई थी, कपूरथला कोच फैक्ट्री पंजाब में है ये। और इन्होंने अपना पहला सर्विस कब दिया था, 1 अक्टूबर 2011 को। तो डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हम कहेंगे RPF। तो आ जाता है देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अभी बीच में न्यूज़ में था। और देखिए ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट के तहत बना हुआ है 1957। ये कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्ट्रूमेंट है बनाने का, यानी कि इस फोर्स के एक्ट के थ्रू ये बना हुआ है। और ये कब फॉर्म हुआ था, 2 जुलाई 1872 में, यानी कि 2 जुलाई 1872 में ये फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और डायरेक्टर जनरल भी पूछता है, तो DG इनके डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अरुण कुमार जी हैं। तो आप लोगों को डायरेक्टर जनरल याद रखना होता है, चेयरमैन एंड CEO याद रखना है। तो सब कुछ मैंने बताया था कि CEO कौन है रेलवे बोर्ड के, DMRC के कौन है, DFCCIL के कौन है। तो आप अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि कौन है, जो पर्सन कौन है। डायरेक्टर जनरल यहाँ है अरुण कुमार जी। और देखिए न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि जो रेलवे है रीनेम कर दिया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, तो नाम चेंज कर दिया गया है। RPF तो हम जनरली जनरल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम चेंज करके इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस रख दिया गया है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को डेटा एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। देख लीजिए एक आस्क दीक्षा यहाँ पर है, तो ये एक चैट बोट है। जब आप IRCTC का वेबसाइट खोलेंगे, जो जनरली आप लोग हर दिन यूज़ करते हैं, वहाँ पर एक देखेंगे कि एक आंटी रहती है ग्रीन कलर का साड़ी पहनती है, चश्मे वश्मे लगाती है, लिपस्टिक लगाती हैं, और एक सुंदर सी गुड़िया टाइप से दिखती हैं। तो वो है आस्क दीक्षा, और ये IRCTC ने एक चैट बोट डेवलप किया था किस लिए, ये एक पावर्ड वॉइस एनेबल्ड आस्क है, रोबोट है। इससे अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी हेल्प लेना चाहेंगे, तो ये हेल्प बिल्कुल बताएगी और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो पहले ये हिंदी में इंग्लिश में हुआ करता था, अब क्या है इसको हिंदी में भी लैंग्वेज में भी बनाने का कोशिश किया गया था, और अब बहुत सारे लैंग्वेज में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो IRCTC हैज़ पावर्ड वॉइस एनेबल आस्क दीक्षा डिजिटल इंटरेक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम। ये फुल फॉर्म देखिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दिशा का चैट बोर्ड टू कन्वर्स विद कस्टमर इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इनिशियली लॉन्च्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन अक्टूबर 2018। देखिए न्यूज़ इतना रिसेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग से ये पूछ सकता है कि चैट बोर्ड कौन है। तो आस्क दिशा है, और इनका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, आप फोटो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपने कई बार देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। वहाँ लिखा रहता है आस्क दिशा, और ग्रीन कलर की साड़ी पहनते हैं, चश्मे लगाते हैं, और ट्राई कलर में ये छोटी सी एक आंटी टाइप्स दिखती हैं। अब आता है रेल भवन, तो रेल भवन ही इम्पॉर्टेंट है बहुत। हेडक्वार्टर आप लोग को पता है, ये इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर है रेल भवन नई दिल्ली में, और ये फॉर्म हुआ था मार्च 1905 में। तो एस्टैब्लिशमेंट डेट याद रखना है आप लोगों को, हेडक्वार्टर याद रखना है। और एक और है नई दिल्ली में, जैसा कि मैंने बताया था रेल म्यूज़ियम है, तो ये 1 फरवरी 1977 को फॉर्म हुआ था अपना नेशनल रेल म्यूज़ियम, जो बहुत सबसे बड़ा है। अगर आप लोगों को बोलेगा लार्जेस्ट रेल म्यूज़ियम कौन सा है इंडिया का, तो दिल्ली में है। और आप मुझे बताएंगे कि और कितने सारे रेल म्यूज़ियम है, तो फटाफट
कमेंट करके बताइए और कहाँ कहाँ पर है और कितने सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए दिल्ली ही है। ठीक है, अब आता है देखिए फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया कौन सा था? बोरीबंदर, जहाँ से पहली हमारी पैसेंजर ट्रेन चली थी, और ये बिल्ट बाय ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद रीबिल्ट किया गया था उसको विक्टोरिया टर्मिनस लेटर इन 1888, नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया। जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके नाम से ये एक नया, इसी को रिन्यू करके, रीबिल्ट करके ये नाम दे दिया गया था, विक्टोरिया टर्मिनस। तो आप लोगों जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग से ये पूछेगा कि विक्टोरिया टर्मिनस को और कौन से नाम से जाना जाता है, या फिर पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था इंडिया का, तो आप लोगों को बताना है विक्टोरिया टर्मिनस। और अब इसको कैसे, किस नाम से जानते हैं? नाउ इट इज़ नोन एज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। CST स्टेशन आप गए होंगे, जब कभी मुंबई जाना होता है तो हम लोगों को इस स्टेशन में जनरली उतरते हैं, CST स्टेशन। और इसके बाद ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो जब आप देखेंगे रेलवे से जुड़ी बातें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आप देखेंगे तो ये स्टेशन बहुत खूबसूरत है। जब आप जाएंगे तो देखेंगे कितना बड़ा और कितना पुराना है। तो इसी स्टेशन में हमला किया गया था, जैसा कि आप सब जानते हैं 26/11 का केस था और बहुत ही दर्दनाक केस था। तो ये यहीं से, इसी स्टेशन से हमला किया गया था, कसाब ने एंट्री किया था। तो ये सब तो पुरानी बातें हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर बनाया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और डिज़ाइन किया गया था विलियम स्टीवेंस के द्वारा। और आप मुझे बताएंगे एक और चीज़ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो वो आप कमेंट में फटाफट करके बताइए कि क्या चीज़ है। और आइए अब देखते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया। तो पहली पैसेंजर ट्रेन मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर आपसे पूछता है तो ये 3 फेब 1925 को चली थी बिटवीन बॉम्बे VT विक्टोरिया टर्मिनस, जो अभी मैंने डिस्कस किया, और कुर्ला हार्बर ऑन 1500 वोल्ट ओवरहेड DC ट्रैक्शन। तो ओवरहेड है, यानी कि ओवरहेड एक होता है और अंडरग्राउंड होता है, तो यहाँ ओवरहेड ट्रैक्शन में ये चलाया गया था 1500 वोल्ट DC का, बिटवीन बॉम्बे VT विक्टोरिया टर्मिनस एंड कुर्ला हार्बर। अब आता है फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर, तो कौन थी? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ममता बनर्जी जी थी, जो अपना, आप लोगों को मालूम है ये कौन है, CM है अपना वेस्ट बंगाल की। और शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर टू प्रेजेंट द रेलवे बजट इन 2002। तो 2002 में इन्होंने पहली फीमेल मिनिस्टर भी थी जो रेलवे बजट पेश की थी। और बस इतना ही इन्फॉर्मेशन ये जानना था आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब आता है इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन। तो जब मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने ये नहीं बताया था आप लोगों को, क्योंकि ये पहली इंजन लेस ट्रेन भी है, इसलिए मैंने, मुझे लगा कि ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रेन 18 भी इसको कहा जाता है, फर्स्ट इंजन लेस, बिना इंजन की चलाई है, बहुत ही सुंदर ट्रेन है ये। और ये चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिज़ाइन किया गया था, इंडिजीनियसली बिल्ट है। इंडिजीनियसली बिल्ट अगर कहीं लिखा रहता है, जैसे कि कई बार जब DRDO की न्यूज़ आती है तो वहाँ पर जो भी रॉकेट होता है, चाहे कई सारे चीज़ होते हैं, जब इंडिजीनियसली बिल्ट लिखा रहता है मतलब मेड इन इंडिया के कंसेप्ट पे बनाया गया, बिल्कुल मेड इन इंडिया का यहाँ पर लोगो लगा रहेगा। अब आता है फर्स्ट CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पावर्ड ट्रेन। तो ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेवाड़ी रोहतक पैसेंजर ट्रेन थी, फर्स्ट CNG ट्रेन है। और रेवाड़ी और रोहतक आप लोगों को पता है हरियाणा में है, और रेवाड़ी के बारे में भी मैंने बताया था एक बार जब हम लोग फेरी क्वीन के बारे में पढ़ रहे थे। 14 जनवरी 2015 का ये डेटा है, तो उस समय वो करंट न्यूज़ रहा होगा, लेकिन अभी आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि पहली CNG पावर ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई थी। अब आता है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो 114 किलोमीटर लॉन्ग रामेश्वरम मन्ना मदुरई स्ट्रेच इन तमिलनाडु विच एंश्योर जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज ऑन रेल ट्रैक। तो फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर का मतलब यही है कि जीरो डिस्चार्ज था, जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज ऑन रेल ट्रैक। तो पहले बहुत ही गंदा दिखता था जब आप रेलवे स्टेशन में जाते थे या कहीं भी रेल गाड़ी खड़ी हो गई तो बहुत ही बेकार दिखता था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा है, लोगों में भी अवेयरनेस आ गया है कि अच्छे से रखें। और कहीं भी अब आप टॉयलेट वेस्ट डिस्चार्ज नहीं देखेंगे ट्रैक पर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छे ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है।
अब आता है इंडियाज़ लार्जेस्ट रेलवे मार्शिंग यार्ड ऑल्सो इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा यार्ड और मार्शिंग यार्ड अगर मैं बोलूँ तो मुगल सराय जंक्शन है, जिसको मैंने पूछा था आप लोगों से कि इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बदल दिया गया है। और लार्जेस्ट रेलवे मार्शिंग यार्ड है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अब फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल किसने डिज़ाइन किया गया था, तो बहुत सारे टाइम टेबल, हर दिन कितनी ट्रेन आती है जाती है, कहाँ पर कितने पैसेंजर है, सब कुछ जितना भी टाइम टेबल डिज़ाइन किया गया था, पहली बार ये डिज़ाइन किया गया था जॉर्ज ब्रेड सॉ के द्वारा। तो ये नाम है जॉर्ज ब्रेड सॉ, बस इतना नाम याद रखना है आप लोगों को, इससे अलावा इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछेगा। अब आता है इंडियन रेलवे बोर्ड, तो यह एस्टैब्लिश किया गया था 1905 में, 1905। इंपॉर्टेंट है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सीईओ और चेयरमैन सुनीत शर्मा जी थे, है मतलब, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है, तो इतना ज़्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, याद कर लीजिए। और जो अलग अलग है जैसे कपूरथला, ये सब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, वो सब याद रखिए। अब आता है टोटल कितने आरआरबी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो बहुत सारे लोग जब आरआरबी का फॉर्म भरे होंगे, जेई का, एनटीपीसी का, तो उस समय बहुत कंफ्यूज रहते होंगे कि कौन सा आरआरबी सेलेक्ट करें, कौन सा। बहुत सारे जैसे आरआरबी चंडीगढ़ है, आरआरबी अजमेर है, बिलासपुर है, मुंबई है, तो बहुत, पटना है, तो इतने सारे आरआरबी थे, तो आप लोग डिसाइड करने में कन्फ्यूज होंगे कि कौन सा आरआरबी है, कौन सा चूज़ करें। तो यही है, टोटल 21 आरआरबी एट प्रेजेंट में है, और एनटीपीसी का एग्ज़ाम एट प्रेजेंट चल ही रहा है, तो नहीं फिर से जब रिक्रूटमेंट आएगी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई की, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिएगा और फिर हम बने रहेंगे आप लोगों के साथ में। और देखिए जल्दी ही लेक्चर आ जाएगा इलेक्ट्रिकल का भी, क्योंकि थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए डिसकंटिन्यू करना पड़ा था क्लास, और मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि क्लास डिसकंटिन्यू हो रही है, लेकिन क्या कर सकते थे, हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर सक किया जा सकता था, और इसलिए फिर वापसी आए हैं पिच में, और आप लोगों से फिर से इंटरेक्शन हो रहा है, और अच्छा लग रहा है मुझे भी, और आप लोगों को भी आई होप अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँच सके। तो दोस्तों अब आते हैं फर्स्ट रेलवे टनल, तो ये पारसिक टनल है, जो पहला हमारा रेल जाता है वो पहला पारसिक टनल था, 1.317 किलोमीटर का, लोकेटेड पारसिक हिल ऑफ थाने, तो ये भी महाराष्ट्र में ही है, पहली बार जहाँ ट्रेन चलाया गया था वहाँ पर टनल है। अब आता है देखिए डायमंड क्रॉसिंग, तो ये एक जस्ट इंडियन रेलवे के द्वारा ये नाम रख दिया गया था। डायमंड क्रॉसिंग का मतलब क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन में वहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने एक ट्रैक जैसा बनाया हुआ है, यहाँ से क्या होती है, ये एक नागपुर जंक्शन है, महाराष्ट्र में आता है, और यहाँ नागपुर जो है स्टेशन, वेयर ट्रेन गो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये एक ऐसा जंक्शन है नागपुर जिसको हम डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों ही डायरेक्शन में ट्रेन आती जाती है, बहुत ही सुंदर स्टेशन है, पुराना भी है। और नागपुर की खास बात ये है, इसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है, तो ये सब लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि ऑरेंज सिटी के नाम से ये फेमस है नागपुर। और जीरो पॉइंट भी इसे कहा जाता है, यानी कि जब आप नेट में सर्च करेंगे जीरो पॉइंट कहाँ से है, तो नागपुर से होता है, वहाँ से हर एक डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो ये एक जीके का क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर दिया मैंने। जीरो पॉइंट आप देखिएगा, वहाँ पर एक छोटा सा स्टैच्यू आप लोगों को दिखा रहेगा और लिखा रहेगा जीरो पॉइंट, यानी कि वहाँ से डिस्टेंस सारा मेजर किया जाता है, कि जैसे कि मान लीजिए नागपुर से बिलासपुर कितने दूर है, तो इस तरीके से मेजर की जाती है, नागपुर को जीरो पॉइंट भी कहा जाता है। अब आता है देख लीजिए हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, तो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन मतलब कि ये सी एल्टीट्यूड इसका देखिए कितना है, 2258 मीटर का है। हाईएस्ट घूम रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में, तो जब आप दार्जिलिंग जाएंगे, जहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, दार्जिलिंग टी, वेस्ट बंगाल में है, घूम रेलवे स्टेशन हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। अब आते हैं देख लीजिए RDSO, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे का, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, इम्पॉर्टेंट है। और ये एक टेक्निकल एडवाइज़र है रेलवे बोर्ड का, यानी कि जितना भी स्टैंडर्डाइजेशन होता है रेलवे इक्विपमेंट का, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस, जितने भी रेलवे के मेंटेनेंस के काम है, कंस्ट्रक्शन टेक्निकल एडवाइज़र है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका पूछा जाता है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली मत लगा दीजिएगा, क्योंकि लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है,
और ये फाउंड किया गया था 1921 में, तो 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। RDSO इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन सब लोगों को मालूम होगा आई थिंक, क्योंकि ये बहुत ही न्यूज़ में था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल के जस्ट बहुत पास में है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला फर्स्ट रेलवे प्राइवेट स्टेशन है। TPWS नेक्स्ट आता है, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। तो आप लोगों से ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि ट्रेन रिलेटेड इसका फुल फॉर्म बताइए, ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम दैट वुड प्रिवेंट द ट्रेन एक्सीडेंट्स एंड एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर। तो बहुत सारे इसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी की दी जाती है पैसेंजर का। तो ये हमारा एक वार्निंग सिस्टम है। नेक्स्ट आता है मतुंगा रेलवे स्टेशन। तो इट इज़ हैविंग द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग ऑल वुमेन स्टाफ। तो ये भी न्यूज़ में था, ऑल वुमेन स्टाफ का पहला रेलवे स्टेशन बताइए। तो मुंबई में है ये मतुंगा रेलवे स्टेशन, यहाँ पर ऑल वुमेन स्टाफ का ये रिकॉर्ड बनाया गया था। अब आता है डीजल इंजन और लोकोमोटिव। तो रुडोल्फ डीजल ने इन्वेंट किया था डीजल इंजन को फर्स्ट टाइम 1893 में, और वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स जो है बनारस में, वहाँ पर ये डिज़ाइन की जाती है डीजल लोकोमोटिव। और इन डीजल लोकोमोटिव में क्या होता है, डीजल इंजन में जो फ्यूल इग्नाइट की जाती है, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग दी एयर। यानी कि मेन यहाँ पर क्या होता है, अगर आपसे पूछता है कि फ्यूल को कैसे इग्नाइट की जाती है, तो कंप्रेशन कर किया जाता है, एयर को कंप्रेस करके फिर उससे हीट निकाला जाता है, फिर फ्यूल को इग्नाइट की जाती है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, देख लीजिए। डीजल लोकोमोटिव में पूछा जा सकता है कि कौन इन्वेंट किया था, और उसके बाद वाराणसी कहाँ पर ये बनता है डीजल लोकोमोटिव, तो वाराणसी में बनता है। अब आता है देख लीजिए रेलवे बजट। बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मैम रेलवे बजट के बारे में बताइए। तो देखिए जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा वो मैंने नोट डाउन कर लिया है, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आप लोग से फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो रेलवे बजट 2021-2022 जैसा कि आप सब जानते हैं 1 फरवरी 2021 को ये प्रेजेंट किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा निर्मला सीतारमन, और इन्होंने प्रेजेंट किया था 1 फरवरी को। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें देख लीजिए, मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया आप लोगों के लिए, हो सकता है ये डेटा आप लोग से पूछ लें। तो ये 1,10,055 करोड़ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.1 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं इंडियन रेलवे के लिए। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल बी कमीशन बाय June 2022। तो ये पूछा जा सकता है कि जो EDFC है और जो WTFC है वो कब तक कमीशन हो जाएगा। तो ये है कि June 2022 तक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और अगर सिचुएशन ठीक ठाक रही कोरोना की तो बहुत ही जल्द ये June 2021 में कंप्लीट हो जाएगा EDFC एंड WDFC। तो इसका भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि कौन कौन से स्टेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए प्लेलिस्ट में हमारे, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कशन किया है पूरा वहाँ पर, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने बताया। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ। और भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं अच्छे अच्छे लेक्चर का आप लोगों के लिए, जल्दी मैनेजमेंट में शुरू हो जाएगा, तो बने रहिएगा। और देखिए द 263.7 किलोमीटर लॉन्ग सोननगर गमो सेक्शन ऑफ EDFC विल बी टेकन अप इन PPP मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इन 2021-2022 एंड 274.3 किलोमीटर दामो दानकुनी सेक्शन, मतलब ये सब बनाया जाएगा। और इसका लेंथ है देख लीजिएगा एक बार, जिसमें कि जितना ऊपर वाला मैंने अमाउंट बताया था उसमें जो है ये 1,07,100 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है, और एक नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार किया गया है। इस रेल प्लान के तहत क्या है, इट इज़ दिस प्लान इज़ टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाई 2033 ब्रिंगिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर इंडस्ट्री टू मेक इन इंडिया। यानी कि मेक इन इंडिया के कंसेप्ट पे पूरा ये सब किया जा रहा है, और इस रेल प्लान के तहत जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडस्ट्री का वो कम हो सके, इतना डेटा है आप लोगों को याद रखना है। और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल ब्रॉड गेज हो जाएगा दिसंबर 2023 तक।
तो देख लीजिए, ये ही पूरा है मेरे ख्याल से, इतना इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा मुझे और ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रेलवे बजट का, लेकिन आपको लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है। तो ये पूरा आज की क्लास थी। देखिए ये 5 लेक्चर है, लेकिन उसमें मैंने बहुत कुछ डेटा आप लोगों से शेयर किया है, दिया है। तो आप इतना लेक्चर अच्छे से पढ़ के जाइए, नोट्स देख लीजिए, अपने से तैयार कर लीजिए, या फिर मैंने टेलीग्राम में भी दे दिया है। तो इतना पढ़िए, आपके लिए मोर देन सफिशियंट। और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि 24 क्वेश्चन हैं, तो अगर आपसे 20-21 क्वेश्चन बनने ही चाहिए और बनेगा। और विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए अगर वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे। और जल्द ही हमारा और भी सेशन कंटिन्यू होगा, इलेक्ट्रिकल की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और भी नए नए जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव OPBD पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जल्द से जल्द और भी अच्छे लेक्चर का इंतजाम किया जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।